वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। और ये है मंडे मॉर्निंग का, सुबह का है और ये वीडियो पुराना है, बहुत पुराना। और मैंने बहुत दिन से ये वीडियो शेयर करने के लिए सोच ही रहे थे, पर ये वीडियो जाने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज मंडे है तो घर का जितना भी सुबह का काम करने के बाद में मैं अपने छोटे से शिव भगवान जी का आज पूजन कर रही थी। और मैंने बहुत अच्छे से आज पूजा करने का मन बनाया था और आज मैं मंदिर भी जा रही हूँ अपने बच्चों लोगों के साथ में। तो बच्चे दोनों, कृति और सृष्टि दोनों के साथ ही मंदिर जाना था और ये काफ़ी दिन का था। और ये पास में हमारे पास के एक मंदिर है, वहीं पर मैंने कहा था कि बच्चों लोग को लेके हे भगवान जी मैं आऊँगी, पर थोड़ा लेट हो गया भगवान जी के पास जाने में और मंदिर जाने में, पूजा नहीं कर पाए। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती तो कभी कुछ हो जाता, लेकिन आज सब ठीक है। तो फिर मैं दोनों बच्चों के साथ में आई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और अभी का जो आज का दिन है वो बहुत अच्छा से बीतने वाला है। और अभी सबसे पहले तो जब हम मंदिर में आए थे तो घंटी बजाए हैं और मंदिर एकदम खाली थी और जो भी लोग थे वो सुबह ही चले गए थे पूजा करके। और हमें लगभग 9 बज गया होगा कि घर के सारे काम करने के बाद ही हम मंदिर आए थे। तो बहुत विधि पूर्वक के साथ हमने सब चीज़ जो भगवान जी को और चढ़ाते हैं वो सब हमने इकट्ठा करके और आए हैं मंदिर। और यहाँ पर जब भी शिव मंदिर आते हैं तो हमें काली माता जी के दर्शन भी हो जाते हैं, इसलिए मुझे इस मंदिर में आना बहुत पसंद है। और अभी मैं बच्चों लोग के साथ में बिल्कुल देख ही सकते हैं कि मंदिर बहुत, मतलब बिल्कुल खाली है और बहुत मन से, प्रसन्न से और बहुत ही अच्छे से हम लोग ध्यान लगा कर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में मैं पूजा कर रही हूँ। और ये हमारा मन्नत था कि मैं अपने बच्चों के साथ ही आऊँगी। और ऐसे तो मैं कभी आती रहती हूँ जब भी मेरा मन होता है। और आज सृष्टि और कृति के साथ मैं इसलिए आई थी कि कुछ ऐसी रहते हैं कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पर आज मंडे को लेके आई थी। और बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर पूजा पाठ सब कर लिए थे। और फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट दूसरे मंदिर जाना है, तो पहले यहाँ पर पूजा करना था उसके बाद दूसरे मंदिर जाना है, तो उसके लिए दूसरा दिन होगा, दूसरे दिन जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे पूजा हो गई है। और अभी देखिए एक कटहल हमारे पेड़ की है तो सृष्टि ने तोड़ा एक कटहल, छोटा सा ही था, तो फिर अभी कटहल की सब्जी बनेगी। और आज कुछ अच्छी अच्छी डिशें बनना है जो कि छिट्टू को बहुत पसंद है। और घर में मैं सासू मामू जी के लिए बना रही थी, तो बाहर में बहुत धूप हो गई है, बहुत कड़ी वाली धूप। और फिर यहाँ पे सब्जी बन रही थी तो छिट्टू बहुत अच्छा सब्जी बनाती है, तो उसने कहा, मैंने ही कहा कि तुम बनाओ, अपने हाथों का खा खा के हम बोर हो जाते हैं। फिर छिट्टू काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने कहा कि तुम ही आज सब्जी बना दो थोड़ा। तो फिर सृष्टि बना रही थी सब्ज़ी और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और छिट्टू बहुत ही अच्छा सब चीज़ बना लेती है। तो फिर वो बिना मेरे हेल्प के ही खुद से ही सब, जितने भी सब्ज़ी बनाने के लिए जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब अपने ही तैयार की थी और अपने हिसाब से ही वो काम करती है किचन में। तो बस अभी वो सब्ज़ी के लिए जितने भी मसाले हैं, प्याज है, अपने हिसाब से उसने रेडी कर लिया था। बारोटा समय जावे तुम बारोटा समय जावे हैं बारोटा समय जाओ। अच्छा ठीक है, बड़ी की है जे बड़ी दीति दीति जे। तो बस सब्जी बनके तैयार थी और ये वेरी वेरी टेस्टी वाली सब्जी थी और इसका स्वाद अभी भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, इतनी टेस्टी थी। तो बस ये सब्जी तो बन के तैयार हो गई थी और ये अभी शाम का समय है, तो गाजर हमारे हस्बैंड जी लेके आए थे बहुत सारा जो कि रखा हुआ था और काफ़ी अब ख़राब होने हो जाता। तो इससे पहले कि वो ख़राब होता मैंने यहाँ पर माँ जी से कहा कि आप थोड़ा सा गाजर को छील दीजिए, और वैसे भी माँ जी बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, तो फिर यहाँ पर गाजर छील रही थी। और फिर मैं इसका जल्दी से थोड़ा सा हलवा बना दूँगी। तो यहाँ पर वही सब हम लोग तैयारी कर रहे थे और
बहुत ही अच्छे से मैं इसे धोऊंगी। अभी मैंने थोड़ा सा धोया है, उसके बाद मैं किचन में इसे बहुत अच्छे से धो धा के उसके बाद ही मैं इसे तैयार करती हूँ हलवा के लिए। तो बस आज मैंने साड़ी खोली नहीं है, बस पहनी ही पहनी है। और कभी कभी माँ जी बोल रही है कि गर्मी में क्यों साड़ी पहनी हो, तो फिर अगर हम लोग कुछ भी पहनते हैं, जैसे कि घर में नाइटी भी पहन के रहते हैं, तो फिर अभी वीडियो शूट करना है तो मैं इसे पहन के वीडियो बना रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए सब हो गया है। अब मैं अपना शाम का तैयारी में लग गई थी, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूध है और मैं डायरेक्ट इसे चीनी के साथ में अभी इसे उबाल के और सुखा के बना दूँगी झटपट से। तो फिर इस तरीके से हमारा शाम का खाना बन रहा था, और शाम को बनेगी पुआ और पूड़ी, क्योंकि सब्जी बनी है दिन में, तो दिन में किसी ने भी सब्जी खाया नहीं था क्योंकि खाना हमारा पहले ही बन चुका था। तो फिर सब्जी अभी हम लोग खा लेंगे, उसी के साथ हम लोग पुआ पूड़ी खाएंगे तो शाम को, और ये साथ में हलवा भी है। तो और ये वीडियो, ये बहुत पुराना वीडियो है और मैंने थोड़ा बहुत ही लेट से ये वीडियो मेरा जा रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत जितना भी है दूध इसमें मैं डाल के पका दूंगी। और यहाँ पे कुल्फी भी बन के तैयार थी जो कि सृष्टि ने बनाई थी, हम लोगों ने सबको खा लिया, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही सेक किया है। और यहाँ पर बनने लगी थी पूड़ी, और साथ में बने थे गुड़ के पुआ जो कि माँ जी का फेवरेट था, और मैंने यहाँ पर गुड़ वाली पुआ भी बना के रेडी कर ली थी, और फिर सभी लोग को खाना भी दे दिए थे। और यहाँ पे अभी माँ जी को भी खाना दे देंगे बाहर में, और माँ जी तो घर में जाती नहीं है क्योंकि उनको घर में काफ़ी गर्म लगती है, और मेरे घर में बहुत गर्मी भी है क्योंकि अटैच किचन है, तो बस खाना बनता है तो और ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है। तो फिर आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, और उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और यहाँ पर कुछ पुआ को मैंने चीनी के सीरे में भी बनाया था, तो वो सब मैंने नहीं शेयर किया है, लेकिन पुआ पूड़ी और कटहल की सब्जी और हम लोगों ने बनाया बिना त्यौहार का ही, जब भी जब मन हो जाता है बस हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, तो बिना त्यौहार का ही हमारे घर बने हुए, और सिस्टी को काफ़ी पसंद आए।